चैप्टर नंबर 19 रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ग्रामर पोर्शन है तो हम उसको ग्रामर की तरह देखे जाएंगे। चलिए नाउ 19.1 सेक्शंस इसी तरह से दिए गए हमको, जैसे सेक्शन फर्स्ट सेकंड सेक्शन भी होगा। तो चलिए नाउ रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटी। हमारा रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग में हमें सेम ग्रामर पैटर्न में ही जाना है, उस वही हमारा फॉर्म है। इसके अंदर क्या है, आपको एक पैसेज दे दिया होगा जो रिलेवेंट जैसे हमारे क्वेश्चन आंसर का चैप्टर में होता है। क्या करते हैं उसके अंदर, आपको एक चैप्टर दे दिया जाता है, वो चैप्टर हम पूरा रीड करते हैं समझते हैं, और देन उसके बाद उसके उससे ही रिलेटेड क्या होती है आपकी एक्सरसाइज होती है। सेम ऐसे होता है पैसेज में भी, आपको कंटेंट दे दिया गया है और इसी के रिगार्डिंग आपको इसी से मिलता जुलता आपको क्वेश्चन आएगा और या तो हमारे बोल सकते हैं हमारी एक्सरसाइज होगी। नाउ लेट मी स्टार्ट। One stormy night, many years ago, an elder man and his wife entered the lobby of a small hotel in Philadelphia. Trying to get out of the rain, the couple approached the front desk hoping to get some shelter for the night. क्या बताया गया है कि आज से बहुत टाइम पहले की एक बात है, जब दो कपल थे, सॉरी एक कपल था, इसके अंदर एक मैन और एक वाइफ थे। एल्डर मतलब ज्यादा बूढ़े नहीं थे, कैसे थे, जवान ही थे। क्लियर, क्या बता रहे कि उस टाइम पे वो लोग एक होटल में आए, छोटा सा एक होटल था, वहां पर उन लोग ने क्यों एंटर किया, क्योंकि बाहर बहुत बारिश हो रही थी, रात का समय था, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। तो उसके लिए उन लोग ने उस होटल में आके क्या बोला, क्या यहाँ पर एक हमको रूम मिल सकता है सिर्फ रात बिताने के लिए, है ना, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है, मे बी वो कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे लेकिन बारिश हो रही तब ट्रैवल तो कर नहीं सकते, तो इसीलिए भी शायद वो रोकने के लिए बोल रहे होंगे। बराबर ना, किसको बोला हमने, फ्रंट डेस्क। होपिंग मींस क्या होता है, एक उम्मीद से जाते हैं ना, क्या यहां पर एक रूम मिल सकता है हमको, एक होप होती है ना, उम्मीद, वैसा। कुड यू पॉसिबल गिव अस अ रूम हियर, द हस्बैंड आस्क, किस तरीके से पूछा, कुड यू पॉसिबल गिव अस अ रूम हियर। द क्लर्क, a friendly man with a winning smile looked at the couple and explained that there were three conventions in town, all of your room are taken, the clerk said, but I can't send a nice couple like you out into the rain at 1 o'clock of the morning. Would you perhaps be willing to sleep in my room? It's not exactly a suite, but it will be good enough to make you feel comfortable for the night. When the couple declined, the young man pressed on, don't worry about me, I will make out just fine, he told them. So the couple agreed. इस पूरे स्टेंसा में आपको क्या बताया है कि यहाँ पर हस्बैंड ने तो पूछा क्या मुझे यहाँ पर रहने के लिए एक रूम मिल सकता है सिर्फ एक रात के लिए, अब उसी टाइम वहां पर जो वर्कर था ना और वीकेंड से ऐसा क्लर्क था, तो उसने क्या एक फ्रेंडली स्माइल दी और क्या बोला कि सर यहाँ पर उन्होंने बताया कि हमारे ये टाउन है, इस जगह पर फिलहाल तो कोई भी रूम अवेलेबल नहीं है, बट अब ये है कि आप दोनों कपल हो और बहुत अच्छे हो एकदम, है ना, बहुत बहुत डिसेंट दिखते हो, अच्छे क्यूट दिख रहे हैं वैसे, बराबर, तो मतलब मैं आपको यहां से बाहर तो जाने दूंगा नहीं क्योंकि बाहर बारिश भी बहुत हो रही है। क्लियर, तो एक काम करिए आप आज की रात आप मेरे रूम में बिता लीजिए, है ना, क्योंकि होटल में कोई रूम अवेलेबल नहीं और उनके जो नियर टाउन है वहां पर भी कोई भी रूम अवेलेबल नहीं होगा, तो उसकी जगह आप क्या करें, आप मेरे जो रूम है आप उसमें स्टे कर लीजिए, आज की रात आप वहां पर स्टे कर लीजिए। देन हस्बैंड वाइफ को उनको क्या लगा कि अरे यार हमारे रूम में ये भी रहेगा साथ में, सो इट वुड बी अनकंफर्टेबल है, तो उन्होंने क्या डिसएग्री इससे हुए। तब उस टाइम पे जो क्लर्क था वो क्या बोले कि कोई बात नहीं, आप वहां पे रह लेना, मैं मेरा देख लूंगा, मैं बाहर सो जाऊंगा कहीं भी, ठीक है। उसके बाद वो कपल क्या हुए, एग्री हो गए। Has he paid his bill the next morning? और याद रखो कितने बजे की बात है ये, 1 o'clock, कितने बजे की बात है, 1 o'clock, जैसे हम बोलते हैं ना रात के 1 बज रहे, इन शॉर्ट वो पीएम से एएम में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए 1 o'clock इन दी मॉर्निंग बोला जाता है। तो ये टाइम था जब वो लोग उस होटल में एंटर हुए। क्लियर, एज ही पेड हिज बिल द नेक्स्ट मॉर्निंग द एल्डर मैन सेड टू द क्लर्क,
You are the kind of manager who should be the boss of the best hotel in the United States. Maybe someday I will build one for you. The clerk looked at them and smiled. क्या बताया गया यहाँ पे? अब वो रात हो गई. Next day. अब बात किसकी आ रही है? Next morning. Means ये day वही चल रहा है. वो तो रात को आए थे 1 बजे सुबह का जब टाइम है. यहाँ पे टाइम मेंशन नहीं किया गया है. अब आगे का सिनेरियो क्या है कि जैसे अगले दिन जो हस्बैंड थे वो क्या क्लर्क के पास आए क्योंकि उनको सर्टेन अमाउंट तो पे करनी होगी क्योंकि वो स्टे किए थे. बराबर सर्विस आपको मिली है आपको पे तो करना ही होगा. उस टाइम पे जो उनके हस्बैंड है हस्बैंड ने क्लर्क से क्या कहा दैट यू आर द काइंड ऑफ मैनेजर. तुम क्या है यू आर द काइंड ऑफ मैनेजर हु शुड बी बॉस. तुम मतलब ऐसे एम्प्लॉय हो जो एक बॉस की तरह काम कर सकते हो. इन शॉर्ट क्या बोला कि आपका होटल बेस्ट होटल है जिसमें पूरे यूनाइटेड स्टेट में. एक दिन जरूर देखना मैं तुम्हारे लिए एक बिल्डिंग पूरी बना के दूंगा. Maybe someday I will build one for you. है ना ये चीज किसको बोली जो क्लर्क वहां पे काम कर रहा था उसको क्योंकि उसने रहने की जगह दी ना. तो क्लर्क ने क्या किया एक स्माइल दे दी सिर्फ ये बोलते चेहरे में खुशी आ जाती है हमको जैसे कोई कुछ अच्छा बोलता है. तो नाउ The three of them had a good laugh. कौन थ्री? एक तो क्लर्क, एक हस्बैंड एंड वाइफ. ये तीन जन क्या एकदम हंसे एकदम. As they drove away, the elder couple agreed that the helpful clerk was indeed exceptional. As finding people who are both friendly and helpful is not easy. अरे आज के टाइम पे भी अगर देखा जाए आपको बहुत सी जगह पर ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो बहुत ही फ्रेंडली हो हेल्पफुल हो कि नहीं कैसे बस किसकी मदद जरूर करनी है. ऐसा नहीं क्या जान दो ना क्या लेना देना. आज के टाइम पे ऐसा बहुत है बहुत कम जगह पर कि कोई सामने से मदद के लिए आ जाता है ना बहुत कम देखने मिलता है. नाउ 2 ईयर पास्ड. जिस दिन वो वहां पर थे उसके बाद से 2 साल बीत चुके हैं. द क्लर्क हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन द इंसिडेंट When he received a letter from the old man, it recalled that stormy night and enclosed a round trip ticket to New York, asking the young man to pay them a visit. क्या बताया गया? 2 साल बीत गए थे और वहाँ पर जो क्लर्क काम कर रहा था, वो तो भूल भी गया कि नहीं ध्यान अभी किसी को, ठीक है? वो क्लर्क ये सारा जो इंसिडेंट हुआ था, वो उसके दिमाग से चला गया. अब ठीक 2 साल के बाद उनको एक लेटर आया. उस लेटर में क्या है? लेटर के अंदर उन्हें ये पूरी जो एक कहानी बनी थी हमारी, that means we can say ऐसा जो इंसिडेंट हुआ था पूरा उस रात का, जो बहुत बारिश हो रही थी, आपने हमारी मदद करी थी, ये सारी चीजें उस लेटर के अंदर लिखी हुई है. और उसके अंदर एक और चीज थी कि आपको ट्रिप है, that means आपको यहां से कहां पर आना है, न्यूयॉर्क आना है. न्यूयॉर्क का टिकट तक उन लोग ने दिया हुआ. Asking the young man to pay them a visit. कि आप यहाँ पर हमारे यहाँ विजिट लो. और स्टिल ये क्या कर रहे उसके पे कर रहे पैसे पे. The old man meet him in New York and led him to the corner of Fifth Avenue and 34th Street. Fifth Avenue that means one kind of we can say as an apartment. He then pointed to a great new building there, a pale reddish stone with the turrets and watchtowers thrusting up to the sky that said, the older man, is the hotel I have just built for you to manage. अब यहाँ पर अगर एक चीज नोटिस करें कि उसने उस वक्त जो बोला था हस्बैंड ने हमारे पास जो कैरेक्टर है वो सच में बोला था. दैट मींस करके दिखा. सिर्फ ऐसा नहीं बहुत सी बार होता है ना कि लोग बोल के तो भूल जाते हैं यार बोला ठीक है ध्यान से रखिए लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज करके भी बताए. बराबर वो ओल्ड मैन कहां पर न्यूयॉर्क में जो क्लर्क है वो आए न्यूयॉर्क में बताया कि देखो जो कॉर्नर था फिफ्थ एवेन्यू अपार्टमेंट है उसके अंदर 34th स्ट्रीट ये पूरा एड्रेस बता रहा जैसे पॉइंट आउट किया कि देखो ये जो नई बिल्डिंग दिख रही है जिसमें रेडी स्टोन लगे हुए टॉरस एंड वॉच टावर है ऊपर ये बिल्डिंग सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मैंने बनाई है. क्यों? क्योंकि आप इसे अच्छे से मैनेज कर सकते हो. यू मस्ट बी जोकिंग. किसी को भी लगता है आज के टाइम पे कोई मे बी शायद किसी को पेंट ऑफ ऑफर करने में 2 बार सोच देता है
कि अरे मैं पेन धो के नहीं दूं या कोई अपनी चीज धो के नहीं दूं। यहाँ पे इस बंदे ने तो आपको पूरी बिल्डिंग बना के दे दी है, क्लियर। द यंग मैन सेड, क्या यू मस्ट बी जोकिंग, क्या मजाक कर रहे हो क्या, इतनी बड़ी बिल्डिंग मुझे दे रहे हो, अजीब सा लग रहा ना। आई कान अश्योर यू आई एम नॉट, सेड द ओल्डर मैन अ स्लाइ स्माइल फ्लेइंग अराउंड हिज माउथ, एक हल्की सी मुस्कान के साथ कैसा बोला कि नहीं मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, क्लियर, ये कोई मजाक नहीं है, ये सच है। द ओल्डर मैन नेम वॉज विलियम वल्डरफॉर एस्टर एंड दैट मैग्निफिसेंट स्ट्रक्चर वॉज द ओरिजिनल वल्डरफॉर एस्टर होटल। द यंग क्लर्क हु बिकम इट्स फर्स्ट मैनेजर वॉज जॉर्जी सी बोल्ड। दिस यंग क्लर्क नेवर फॉरसॉ द टर्न ऑफ इवेंट दैट वुड लेड हिम टू बिकम द मैनेजर ऑफ द वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट ग्लैमरस होटल। यूके का है, सीधी सी बात है, यूनाइटेड किंगडम के बारे में बताया गया है। अब उनका नाम बताया कि ओल्डर मैन का नाम क्या था, विलियम नाम था, एंड जो उनका होटल था वो किस नाम से आया, वेल्डफोर, उन्हीं के नाम से, जो विलियम वेल्डफोर एस्टर उनका नाम था उसी के नाम से क्या उनका होटल का भी नाम रखा गया, क्लियर। जो यंग क्लर्क था कौन, मैनेजर वॉज जॉर्ज सी बोल्ड, जॉर्ज सी बोल्ड, बराबर। उनको क्या दिया गया, भाई अब से मेरा जो होटल है वेल्डफोर एस्टर होटल, अब से आप इसको पूरे को क्या करोगे, मैनेज करोगे, क्लियर। आगे क्या बता रहे हैं कि जिस तरीके से मतलब आपने उस वक्त इसे हेल्प करी थी और मैनेज किया था, दैट वन ऑफ काइंड वर्ल्ड्स मोस्ट ग्लैमरस होटल, ये बहुत अच्छा एक होटल आगे इन फ्यूचर में जरूर बनेगा, बराबर। नाउ 19.1, चलिए अभी तक हमने जितना पढ़ा है ना इस पैसेज के अंदर, उसी के रिगार्डिंग क्या आई है, एक्सरसाइज आ गई है। नाउ पुट द करेक्ट, ओके इट्स अ राइट एंड रॉन्ग, क्लियर। ऑन अ मूनलाइट, ऑन अ मूनलाइट नाइट एन एल्डर कपल केम टू अ स्मॉल होटल इन फिलाडेल्फिया, क्या उस टाइम पे आए थे वो, नहीं वो तो रात के समय आए थे, अब रात के समय तो कैसे बोले, लेकिन यहां पर क्या था, अर्लियर ऑफ द वन ऑफ द मॉर्निंग, 1 o'clock ऑफ द मॉर्निंग है ना, वो ही था ना, 1 o'clock इन द मॉर्निंग, बराबर, इसलिए तो नाइट का तो हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है। नाउ द होटल वाज फुल एंड द कपल कुड नॉट गेट अ रूम, सही बात है, उनको रूम नहीं मिल रहे थे, इट्स ए ट्रू। नाउ द क्लर्क वाज बोथ एफिशिएंट एंड स्ट्रिक्ट, क्या क्लर्क बहुत एफिशिएंट था, बहुत स्ट्रिक्ट था, ऐसा कुछ था क्या, आई डोंट थिंक सो, ऐसा कुछ था, बहुत ही फ्रेंडली था, है कैसा था, बहुत ही फ्रेंडली था, क्लियर, सही चीज भी पता होनी चाहिए आपको साथ साथ में। नाउ द क्लर्क ऑफर्ड हिज रूम टू द कपल, ट्रू, क्योंकि क्या हो गया था वहां पर कोई भी रूम अवेलेबल नहीं थे, तब जाके क्लर्क ने क्या बोला कि अरे इतनी बारिश में आप लोग भी कहां जाओगे, तो एक काम करो मेरे रूम में रह लो, ठीक है, बराबर, एंड देन इट्स ए ट्रू। Now, the next one, complimenting the clerk, the elder man said he should be working in the best hotel in United States. क्या वहाँ पर ऐसा बोला गया कि मैं United States के एक बहुत अच्छी होटल में काम कर रहा हूँ, ऐसा कुछ बोला गया था क्या, बराबर। Now, next, the old man sent a letter to the clerk with a round trip ticket to न्यूयॉर्क, कहां तक का, न्यूयॉर्क तक की उन्होंने क्या पूरी टिकट भी भेजी थी, सही है, क्लर्क को भेजा था ना आने के लिए, बुला रहे थे वो, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, द ओल्ड मैन, जस्ट अ सेकंड, द ओल्ड मैन हैड बिल्ड अ ग्रैंड होटल इन फिलाडेल्फिया, है ना, वहां पर होटल बिल्ड हुआ था, एग्जैक्टली ट्रू, है ना, द ओल्ड मैन हैड बिल्ड, सॉरी वहां पर तो बिल्ड नहीं किया था, ये तो न्यूयॉर्क में बिल्ड हुआ था, यहां पर क्या जाएगा, इस जगह पर क्या आएगा, न्यूयॉर्क,
क्योंकि न्यूयॉर्क में वो चीज बिल्ड हुई थी। यहाँ पर तो हस्बैंड एंड वाइफ को स्टे करने मिला था आज से 2 साल पहले, मीन समझ लो कैरेक्टर उससे 2 साल पहले की बात है, बराबर। ये फॉल्स आएगा, क्लियर, क्या आएगा, फॉल्स। नाउ द नेक्स्ट वन, द ओल्ड मैन आस्क्ड द क्लर्क टू द फर्स्ट कॉकटेन ऑफ द ऑफ दैट होटल। क्या क्या, द ओल्ड मैन आस्क्ड द क्लर्क टू द फर्स्ट कॉकटेन ऑफ दैट होटल, दैट मीन वी कैन से एज अ मैनेजर टू मैनेज द होटल। किसने, ओल्ड मैन ने पूछा था क्लर्क को, एग्जैक्टली क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू, क्लियर, क्या आएगा यहाँ पे, ट्रू। चलिए यहाँ पर है नहीं, आप लोग ऐड कर देना, क्या आएगा, ट्रू आएगा लास्ट वाले का आंसर। नाउ नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, द एल्डर कपल केम टू अ होटल व्हिच वाज बिग ग्रैंड और वी कैन से एज अ फुल्ली ऑक्यूपाइड। कैसा था वो होटल जब वहां पर वो लोग आए, कैसा था, फुल्ली ऑक्यूपाइड, कैसा था, फुल्ली ऑक्यूपाइड। और वी कैन से एज अ, यहां पर दूसरा वर्ड भी क्या यूज हो सकता है कि वो स्मॉल था, बिग नहीं था, लेकिन कैसा था, स्मॉल था, है ना, वेल डेवलप्ड भी नहीं था, ठीक है, लो क्लास जैसा था कि बस जस्ट एक होटल है, आपको स्टे करने जैसा था, वो ठीक है, इस तरीके का कुछ। The clerk told the couple that there was no room available in the hotel as most of the rooms were locked. ऐसा था। The night was stormy. There were 3 conventions being held in the town. क्या आया था? Clear? C1 है ना? Now, the clerk's room was not big, but it was airy. क्लीन और वी कैन से ऐसा कंफर्टेबल, कैसा था बट स्टिल क्या था, कंफर्टेबल था। द ओल्ड मैन टोल्ड द क्लर्क ही वुड सेंड हिम अ चेक, बिल्ड अ ग्रैंड होटल और कॉल हिम अ न्यूयॉर्क। उस टाइम पे जब वो ओल्ड मैन वहां से जा रहा था तब उन्होंने क्लर्क को क्या बोलते हुए गए थे, द ओल्ड मैन टोल्ड द क्लर्क ही वुड सेंड हिम अ चेक, मतलब वो चेक भेज दूंगा, ऐसा बोला नहीं, मैं आपको न्यूयॉर्क से कॉल करूंगा, नहीं, बिल्ड अ ग्रैंड होटल, ये चीज जरूर बोली थी कि मैं तुम्हारे लिए एक होटल बनाऊंगा, है ना, क्यों, क्योंकि तुम एक बेस्ट मैनेजर, एज अ मैनेजर ने तुम तो बॉस की तरह ट्रीट करते हो, है ना। वर्ड्स फ्रॉम द फेस आर द गिवन ऑन द लेफ्ट, ओके, आपको फ्रेजेस दिए हुए हैं यहां पर, ऑब्जेक्ट आप मतलब दिया सेंटेंस को कंप्लीट करना है, जैसे मैग्निफिशेंट, विनिंग, प्रेस डाउन, एक्सेप्शनल, गुड लक, क्लियर, सारा आपको ऑप्शन दे दिए गए। जैसे मैग्निफिशेंट पे क्या जाएगा यहाँ पे, ग्रैंड, मैग्निफिशेंट पे क्या आएगा, ग्रैंड आ जाएगा, क्लियर। द नेक्स्ट वन, विनिंग, विनिंग को क्या बोल सकते हैं, स्माइल भी उन्होंने बताया यहाँ पे, क्लियर, यहाँ पर विनिंग को क्या इंडिकेट किया है, एज अ स्माइल, बराबर। स्माइल के में से कौन सा आ सकता है, चार्मिंग, स्माइल में क्या होता है, चार्मिंग ही होता है, क्लियर। नाउ प्रेस्ड ऑन, प्रेस्ड ऑन, बराबर, प्रेस्ड ऑन पे क्या आएगा, इंस्टेंट। नेक्स्ट वन, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल क्या बताता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सेप्शनल में क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये बराबर है। एंड लास्ट वन, अ गुड लव, अ हार्डली लव, सीधी सी बात है ना, चलिए। नाउ विच ऑफ दिस वुड बी सुटेबल टाइटल फॉर दिस स्टोरी, ये आपको बता रहा है कि इसमें से कौन सा टाइटल जो है वो हमारी स्टोरी के लिए सही होगा। अ फ्रेंडली मैन विद अ विनिंग स्माइल, ये है, द मैनेजर ऑफ अ मैग्निफिशेंट होटल, अ रिवॉर्ड, द रिवॉर्ड ऑफ अ गुड डीड, और वी कैन से एज अ ट्रू स्टोरी। इनमें से कौन सी चीज आप बोल सकते हैं यहाँ पे, ऑनवर्ड्स आपको बता रहा है, क्लियर, ये तो उन्होंने पॉइंट दे दिए गए, क्लियर। And using theme of the story, write a short passage on one good turn
desires another. बराबर, अब आपको अपने हिसाब से लिखना है, सेम रिलेवेंट यही स्टोरी, जरूरी कि यही स्टोरी हो, आपको एक कंटेंट तो मिल गया, कुछ इस तरीके की एक स्टोरी क्रिएट करो। बराबर, चलिए 19.2 सेक्शन 2, रीड द पैसेज एंड डू द एक्टिविटी। सेम जैसे हमने फर्स्ट पैसेज देखा था, सब सेकंड, सेकंड दिया हुआ है। नाउ वी लिव इन अ वंडरफुल वर्ल्ड दैट इज full of beauty and charming and adventure. There is no end of the adventures that we can have if only we seek them with our eyes open. Our own country is a little world in itself with an infinity variety and places for us to discover. I have traveled a great deal in this country and I have grown in the years. And yet, I have not seen many parts of the country we love so much and seek to be served. I wish I had more time so that I could visit the nooks and the corners of the India. Clear? चलिए, यहाँ तक का पैसेज हो गया। अब यहाँ पे इसके अंदर क्या बताया जा रहा है? इसके अंदर हमारे इंडिया को, किसको? हमारा कंट्री इंडिया, उसको यहाँ पर स्पेसिफाई किया गया है। उसके क्या बोलते हैं, इंडिया को डिस्क्राइब कर रहे हैं। देखिए डिस्क्राइब किस तरीके से किया जा रहा है, इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड, क्लियर, जिसके अंदर बहुत सी ब्यूटीफुल चार्मिंग एंड देयर इज एन एडवेंचरस। हर किसी की लाइफ में या कहीं पर देखो आपको एक एडवेंचर तो मिलेगा ही मिलेगा। बराबर, यही चीज बता रहे हैं, देयर इज नो एंड ऑफ एडवेंचर्स, इंफिनिट है। इंफिनिट मींस इन्फिनिट उसको बोला जाता है जिसका कोई अंत ना हो, है ना, वो लंबे टाइम तक चलता ही जाएगा। बराबर, अगर आपको ऐसा है कि अरे यार कहाँ खूबसूरती का है, तब वो क्या बोल रहे हैं, कितनी बार देखा है डायलॉग होता है, बोलते हैं ना कि अपनी खुली आंखों से उसे देखो तो आपको हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा दिखेगा। बराबर, सेम वही एक सेंटेंस उन्होंने रिपीट किया है, और ओन कंट्री इज ए लिटल वर्ल्ड इन इटसेल्फ, किसकी बात कर रहे हैं, उन्होंने उस पूरे वर्ल्ड की बात करी है, उस वर्ल्ड में उन्होंने एक पार्ट लिखा है हमारी कंट्री जो कौन है, इंडिया। उस इंडिया के अंदर भी सेम ब्यूटीफुल चार्म एंड एडवेंचर्स आपको देखने मिलेंगे ही मिलेंगे, और वो भी एक जगह पे नहीं, अनेक जगहों पर, सभी जगह पर आपको बहुत सी अच्छी से भी अच्छी चीज आपको देखने मिल जाती है। बराबर, क्या बोल रहे हैं, I have traveled a great deal in the country. I have grown in years and yet I have not seen many parts of the country. बराबर, क्या बोल रहे कि मैं इसी जगह पर बड़ा हुआ हूँ, मैं देश विदेश भी घूमा हूँ, but इंडिया में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर मैं अभी भी नहीं जा पाया। बराबर, we love so much and seek to serve. I wish I had more time so that I could visit the nooks and the corners of the India. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि काश मेरे पास और थोड़ा सा टाइम हो, जो जिंदगी का टाइम होता है उसमें काश थोड़ा सा और टाइम हो ताकि मैं इंडिया की हर एक वो जगह पर जाके उसकी खूबसूरती देख सकूं, है ना। आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी ऑफ अ ब्राइट यंग चिल्ड्रन हुज माइंड्स आर लव। I would like to go there in the company of a bright young children whose minds are opening out with wonderful and curiosity as they make new discoveries. Clear? ये चीज maybe आप लोग IIT sector में ज़्यादातर देख लेते होंगे या बहुत सी जगहों पर देखा, छोटे बच्चे हैं वो बहुत innovative चीजें करते जा रहे हैं आज के time पे भी। बराबर, ये तो बहुत पहले का मतलब story दी हुई है, ये आज के टाइम पर आप देखिए एक छोटे से छोटे बच्चा भी बहुत इनोवेटिव चीजें लेके आ रहा है, और इफ अगर वो इनोवेटिव है बना नहीं पा रहे लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो थॉट है, उनके आइडियाज है कि वो क्या देखना चाहते हैं फ्यूचर में, उनका अभी भी स्टिल उस परसेप्शन पे वो चलते जा रहे हैं। बराबर, क्या बता रहे, आई वुड लाइक टू गो देयर इन द कंपनी, उस कंपनी में गए जहां पर छोटे बच्चे काम कर रहे हैं, नहीं इधर माइंड अपना दिमाग लगा रहे काम के लिए, एक क्यूरियोसिटी, एक नई चीज डिस्कवर करते जा रहे हैं। बराबर,
इससे तो बोलो हमारी टेक्नोलॉजी कैसी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्लियर। आई शुड लाइक टू गो विद देम नॉट सो मच टू द ग्रेट सिटीज ऑफ इंडिया एज टू द माउंटेन्स एंड द फॉरेस्ट एंड द ग्रेट रिवर्स एंड द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स ऑल ऑफ विच टेल अस समथिंग ऑफ इंडियाज स्टोरी। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे कि मैं उन सभी के साथ में कहीं ना कहीं जाना चाहता हूँ। कहाँ कहाँ पे जाना चाहता हूँ? इंडिया के अंदर बहुत सी ऐसी सिटीज है ना जहां पर मैं जाना चाहता हूँ। उन सिटीज में क्या क्या आपको देखने मिल सकता है? सिर्फ माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स, जो प्राचीन कलाकृतियां है, वो सारी चीजें, ऑल ऑफ विच टेल अस अबाउट समथिंग ऑफ द इंडियन स्टोरीज। बराबर, हमारे इंडिया में ना हर एक जगह पे, सिर्फ ऐसा ही इंडिया में ही है, मे बी अदर कंट्रीज में भी होगा, लेकिन ज्यादातर इंडिया में हर एक चीज की पीछे एक कहानी है ना। जैसे गंगा मैया का भी आपको पता है हर किसी को, जो नदियां हैं वो नदी ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वो बहना चालू होगी, उसका अगर आप इतिहास देखो तो वो किसी ना किसी कारण से वहां उस जगह पर आई थी। बराबर, हर चीज के पीछे एक कहानी है। बराबर, नाउ I would like them to discover for themselves that they can play about in snow in some parts of India and also see other places where tropical forest flourish. Such a trip with children would be a voyage of discovery of the beautiful trees of our forest and hilly sides and the flowers that grasp the changing seasons and bring life and color. बराबर, यहाँ पर किस पे डायरेक्ट सीजन्स पे आ गए। उन्होंने जहां जहां की बात करी, फॉरेस्ट की, माउंटेन की, ओल्ड मॉन्यूमेंट्स की एंड ऑल। अब इसमें क्या है, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जाता है ना, ये चीजों में कैसे चेंजेस आते हैं। लाइक जैसे फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, अभी यहाँ पर इस सिनेरियो में किसकी बात की गई है? फॉरेस्ट के रिगार्डिंग बात की गई। जैसे ब्यूटीफुल ट्रीज आपको देखने मिलते हैं, हरियाली देखने में बहुत अच्छी लगती है ना। हर किसी को देखिए, आजकल हर कोई अपने घर पे ट्री प्लांटेशन करता ही है, नहीं हो तो फ्लावर्स लगाएंगे, कुछ ना कुछ चीजें लगाई जाती है ताकि अच्छी दिखती हो। बराबर, सेम ये सीजन कैसा है, चलता रहता है। गर्मी आएगी फिर ठंड आएगी, बारिश आएगी फिर ठंड आएगी। बराबर, ये सीजन कंटिन्यू चलता ही रहता है, क्लियर। वी वुड वॉच द बर्ड्स एंड ट्राई टू रिकॉग्नाइज देम एंड मेक फ्रेंड्स विद देम। आप लोग जब छोटे होंगे तब आप लोगों ने सारी चीजें की भी होगी या शायद सोची भी होगी, बहुत से लोग है ना। बट द मोस्ट एक्साइटिंग एडवेंचर वुड बी टू गो टू फॉरेस्ट एंड सी द वाइल्ड एनिमल्स, बोथ द लिटिल वन एंड द बिग वन, है ना। उनको मोस्ट एडवेंचरस क्या होता कि वाइल्ड एनिमल्स को हम जाके देखे, जिसमें बड़े और छोटे जानवरों को देखा जाए, लाइक एलिफेंट, राइनो, राइनोसोर, ठीक है, ये सारे कैसे बीच में आ जाते हैं, जिराफ, स्मॉल स्मॉल आपको मालूम ही पाकिस्तान आ गए। नाउ फुलिश पीपल, ये अब उन लोगों की बात है जो इन सारी चीजों को बिगाड़ते जा रहे हैं। चलो देखो कौन है ये, लाइक फुलिश पीपल गो देयर विद अ गन। कहां पे? ये फॉरेस्ट में जा रहे हैं। हम यहाँ पर बात कैसे कर रहे हैं, फॉरेस्ट की ही कर रहे हैं। तो इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, देखो पुलिश पीपल गो विद गो देयर विद अ गन एंड किल देम एंड दस पुट एन एंड टू समथिंग दैट वाज ब्यूटीफुल। बराबर, कुछ लोग क्या कर रहे हैं उस चीज को जो इतनी अच्छी खूबसूरती है फॉरेस्ट में, खूबसूरती वाइल्ड एनिमल से वहां पर जानवर रह रहे, क्या करते हैं कुछ लोग गन लेके जाएंगे, उन एनिमल्स को वहीं पे मार देते हैं। बराबर, और जो हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है उसे वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बंद कर, मतलब गिरती जा रही है, ठीक है, खूबसूरती जो है वो कम होती जा रही है। बराबर, इट इज फार मोर इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग टू वंडर अबाउट विदाउट अ गन और एनी अदर वेपन टू फाइंड दैट wild animals are not afraid and can be approached. Animals have clear instinct than man. If a man goes to them with murder in his heart, they are afraid to him and run away. But if he
was any love for animal, they realize that he is a friend and do not mind him. If you are full of fear yourself, then the animal is afraid to and might attack you. In self-defense, the fearless person is seldom, if never, attacked. क्या बताया जा रहा है इन शॉर्ट सेंस में? क्या बताया गया कि लोग अपने फायदे के लिए उन्हें मार देते हैं। सीधी सी बात है, अगर आप उनके सामने वेपन लेके जाओगे उनको मारने के लिए, तो सेल्फ डिफेंस पे या तो वो अटैक करेगा या तो भागेगा, बराबर। तो हर जो जानवर उनकी मेंटालिटी क्या आ जाती है, इसीलिए देखना जो इंसान है और बाकी के जो लोग, उनको देख के जानवर थोड़ा घबरा जाते हैं, भागते हैं, क्यों? क्योंकि उनके माइंड में एक ही चीज कैप्चर हो चुकी है कि नहीं, ये हमको नुकसान ही पहुंचाएगा। क्लियर? हाँ, अब देखिए जो आपके पालतू जानवर होंगे ना, जो लोग पेट पालते हैं उनको देखना, उनके पास एनिमल बहुत आराम से रहेगा, क्यों? क्योंकि उसे ह्यूमन नेचर मालूम है। क्लियर? क्योंकि वो जिन लोग के साथ रहे ह्यूमन है, दैट मींस उनकी मेंटालिटी क्या हो जाती है कि इस तरीके के ही लोग बाहर है और वो अच्छे है। मेंटालिटी ट्रीट होनी चाहिए आपकी कि किस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, बराबर। अभी सेम इसे अगर स्ट्रीट डॉग को देख लो, उसको हर कोई आते जाते डिस्टर्ब करता रहता है, तो उसका इंसान को देखने का नजर ही अलग हो जाता है। देखा ना कि बहुत से जगह पर बोलते कुत्ते पीछे पड़ गए, है ना, अटैक कर रहे हैं वो, रीजन वो हर किसी को उसी नजरिए से देखता है। सीधी सी बात है, इफ अगर आपको ऐसा है कि हाँ मैं डरता नहीं हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, कितनी बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को बचाने में सामने वाले का नुकसान कर देते हैं, अटैक करते हैं उस पर। सेम एनिमल भी ऐसा ही है, अगर आप उसे हार्म करने जाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको भी अटैक करेगा। देन आप लोग क्या बोलोगे, नहीं नहीं इसको तो मार देना चाहिए, बट भाई आप क्यों गए थे उसके घर पे? क्लियर? फॉरेस्ट उनका घर है, आपका घर जैसे यहाँ पर, उसके अंदर कोई आ जाए आप भगा देते हो, ये उनका घर है, वहां पर आप क्यों आए, बराबर? लॉजिकल बात है ये। चलिए, perhaps the lesson might be applied to human being also. किसको अप्लाई करता है? ह्यूमन बींग को ज्यादा करता है। If we meet others people in a friendly way, they also become friendly. But if we are afraid to them or if we show our dislike to them, then they behave in the same manner. बराबर बोलते हैं जैसे को तैसा मिलता है। अगर आप किसी से इतनी उम्मीद कर रहे हो तो सेम वो पर्सन भी आपसे उतनी ही उम्मीद करेगा, जैसा दोगे वैसा पाओगे, बराबर। सेम इसके अगर बेस्ट एग्जांपल इस लाइन के लिए जो दिया जाए ना, जिन जिन लोगों के घर पे पेट है वो लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि एनिमल्स के होते ना, एनिमल्स के प्रति अगर अपनी जो भावना होती है वो सही रखनी चाहिए। नॉट एनिमल्स, सभी के, इंसान जानवर सब एक ही बराबर है, हर किसी को जीने का अपना हक है, बराबर। ऐसा है, किसी से फ्रेंडली आप रहेंगे, देखो आपके दोस्त यार में भी जो होंगे सॉरी कि आप जिनसे बहुत फ्रेंडली हो, एकदम बिंदास बात कर रहे हो, और कुछ ऐसे होंगे कि नहीं जिससे ठीक है, मतलब बात करने ऐसा है, बहुत सी जगह पर ऐसा भी आपको देखने मिलेगा, ठीक है। डिपेंड्स कि आप जैसा बात कर रहे हो वैसा ही मिलेगा से, इसलिए इसको एनी ह्यूमन बींग के साथ बहुत ज्यादा तरीके से इन्हीं के लिए बोल सकते हैं कि इन्हीं के लिए पूरा डेडिकेट किया। किसके लिए? ह्यूमन बींग। किसके लिए? ह्यूमन बींग, क्योंकि हिंदुस्तान की जो खूबसूरती है वो यही सारी चीजें थी, हमारे माउंटेन फॉरेस्ट, और यही आज के टाइम में अगर बोलू इसके अंदर ऐसा नहीं है, लेकिन आज के टाइम पे यही सारी चीजें दिन ब दिन खराब होती जा रही है। माउंटेन्स अब इतने नहीं बचे, क्यों? क्योंकि माउंटेन्स को काट काट के वहां पर रास्ते बनते जा रहे हैं। क्लियर? वहां से जमीन खिसकते जा रही, पत्थर निकाले जा रहे हैं, तो माउंटेन्स खत्म होते जा रहे हैं। माउंटेन्स हट रहे तो उसके ऊपर के जो ट्री प्लांटेशन है वो खत्म हो रहा है। वुड का सहारा, किसी को कोई भी वुड चाहिए क्योंकि वुड का फर्नीचर बनाना है, दरवाजा बनाना, सब चीज चाहिए, तो धीरे धीरे पेड़ खत्म हो रहे हैं, जंगल खत्म हो रहे हैं, जानवर जाएंगे का, इसलिए जानवर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, बहुत से लोग के गांव में चले जा रहे हैं। लोग भी क्या कर रहे हैं कि अपने घर बसाने के लिए जंगलों में घर बनाए जा रहे हैं, तो एक से करके अब वो पूरा जिला बन गया। फिर अगर जानवर वही घूम के आ जाए तो उसको मार देते कि हमारे इलाके में आ गया। व्हाट नॉनसेंस, आप उसके इलाके में गए, वो आपके इलाके में नहीं आया,
आजकल आप जंगल में भी जाके देखो वहां भी आदिवासी कितने ही लोगों के घर बने हुए वहां पे। नेक्स्ट बात करेंगे रिवर की, हर किसी को मालूम है कि कितना पॉल्यूटेड है। एक टाइम था कि जब नदी का पानी सबसे शुद्ध होता था, आज वही टाइम है कि उसको पी भी नहीं सकते। साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर सपोज कोई नदी का पानी पी रहा होगा विदाउट फिल्टर तो मे बी कैंसर या कोई भी सर्टेन डिजीज आपको हो सकती है। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ कंपनियां जो उनका केमिकल्स होते हैं वो वेस्ट कहां जाता है, रिवर्स में ही जाता है। क्लियर? तो यही सारी चीजें, ये सब हो किसकी वजह से रहा है, ह्यूमन। सारी चीजें कौन कर रहा है, एनिमल्स को कौन किल कर रहा है, ह्यूमन। रिवर कौन पॉल्यूट कर रहा है, ह्यूमन। एयर को पॉल्यूट कौन कर रहा है, अगेन ह्यूमन। माउंटेन्स खत्म कौन कर रहा है, ह्यूमन। डिस्ट्रक्शन कौन फैला रहा है, ह्यूमन। सेम, इसीलिए चीज को क्या बताया गया, जो इस ब्यूटीफुल हमारा नेचर है इसे धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, और वही चीज नहीं होनी चाहिए। बराबर? द ऑथर इज जवाहरलाल नेहरू, है ना? क्लियर? चलिए नाउ आ जाते हैं एक्सरसाइज पे 19.2। आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज योर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ। क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज योर वंडरफुल वर्ल्ड फुल ऑफ, ब्यूटीफुल, चार्मिंग, और वी कैन से एडवेंचरस। कैसा होना चाहिए, ब्यूटीफुल, चार्म एंड एडवेंचर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, व्हाट वुड नेहरू डू इफ ही हैड मोर टाइम। क्या बताया, नॉट अ नेहरू, वी कैन से एज अ नेहरू जी, है ना? व्हाट वुड नेहरू जी Do if he had more time. क्या अगर उनके पास ज्यादा टाइम होता, उन्होंने पैसेज के अंदर बोला कि काश अगर मेरे पास ज्यादा और टाइम होता तो मैं क्या करता, क्या करते? वो इंडिया की हर एक ऐसी जगह पर जाते जहां कॉर्नर में कि जहां पर हिंदुस्तान की खूबसूरती है। क्या बोलता है कि इनफ, हमारी पूरी जिंदगी भी अगर जी ले तो भी हर जगह पर जाके वो सारी चीजें नहीं देख पाएंगे, है ना? इसलिए कुछ कुछ एक सिलेक्टेड प्लेसेस पे हम जाते हैं। बराबर? चलिए क्या था, विजिट दी ओल्ड नुक्स एंड दी कॉर्नर्स ऑफ इंडिया। क्लियर? नाउ व्हाई वुड ही लाइक टू गो इन दी कंपनी ऑफ ब्राइट यंग चिल्ड्रन। कंपनी से उनकी कंपनियों में नहीं की अच्छा इनकी कंपनी बोलते अरे कंपनी मिल गई चलो हम साथ में जाके आते हैं, टुगेदरनेस, है ना? ऐसा। और नेहरू जी के बारे में आपको पता ही है, बच्चों के विषय में बहुत ज्यादा रहते थे, है ना? बच्चों से उनको बहुत ज्यादा लगाव था। बराबर? उज्जवल भविष्य बोलते हैं ना छोटे बच्चे, बिकॉज देयर माइंड्स आर ओपन आउट विद वंडरफुल एंड दी क्यूरियोसिटी। माइंड्स ओपन किस तरीके से बोल रहे हैं, माइंड्स आर ओपनिंग आउट, क्योंकि देखना एक जो मैच्योर इंसान है वो थिंकिंग उसकी कहां से आएगी। सपोज अगर आप और हम भी अगर कुछ सोच रहे तो हम सोचेंगे किसे, आपसे जितना हमने पढ़ा आसपास जो देखा, और हमें पता है कि हाँ ये चीज हो सकती है ये नहीं हो सकती है, बस इसके अलावा आगे एक कितना अलग तरीके से देखने का नजरिया अलग हो जाता है। एक एजुकेटेड का देखना, एक जो अनएजुकेटेड है, एक बच्चा है, एक अलग अलग जगह पर उन सबके जो थिंकिंग पावर है वो बहुत अलग होंगे। बराबर? और सेम उस साइड पर किसी बच्चे को रख के देखना, कभी कभार ऐसा होता ना कि वो बच्चा ऐसी चीजें बोल जाता ना, हम सोचते कि हाँ यार ये चीज भी तो हो सकती है या नहीं हो सकती, एक सोच में आ जाता है इंसान, है ना? इसलिए कैसा वो ओपन माइंड होते हैं एकदम, उन्हें कुछ नहीं पता लेकिन वो सिर्फ एक अनुमान लगाते हैं आपसे इस तरह के, इस तरह हो सकता है। देन हर किसी को एक माइंड में क्वेश्चन आता है कि क्या ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल, है ना? नाउ विच प्लेस वुड ही लाइक टू गो टू, ही मींस नेहरू जी, चलो कहां कहां पे जाना चाहते थे, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, रिवर्स एंड दी ओल्ड मॉन्यूमेंट्स। बराबर? नाउ व्हाट वुड बी द मोस्ट एक्साइटिंग क्रिएट एडवेंचर्स, लाइक गोइंग टू द फॉरेस्ट एंड सी द वाइल्ड एनिमल्स ऑफ द बिग एंड द स्मॉल। आई कंटिन्यू कर सकते हो ऐसा लिख लेना, ठीक है? देन If we have love in our heart, what do wild animals do? If अगर आप हमारे अंदर
जानवर के प्रति सद्भावना है तो उनकी तरफ से क्या होगा? कोई पूछ रहा क्या होगा? सेम, दे डोंट अटैक अस, सेम, बराबर। ये मैं बताया कि जिनके यहाँ पे पेट होंगे ना, कि जो जानवर पाल रहे पेट होंगे उनके, वो देखना वो जानवर को प्यार करते हैं, वो सेम रिटर्न उनको भी वैसे ही करता है। ऐसा नहीं कि नहीं अटैक करता रहेगा, ऐसा नहीं। क्लियर? आप आपको सही कि नहीं, अरे तो डॉग होते हैं ऐसे बाकी सब। आप अबू धाबी या दुबई साइड पे एरिया पे देखना, वहां पर शेर पाले जाते हैं, टाइगर, टाइगर लायन के पास सब है बहुत से। अमेरिका में भी ऐसी कितनी जगह है जहां पर एनिमल्स, नंबर ऑफ एनिमल्स है बहुत से। जैसे हमारे साउथ साइड पे एलिफेंट्स पाले जाते हैं, बराबर, मतलब उनके वर्किंग में भी आ जाते हैं। बाकी अदरवाइज जो फार्मर है उनके पास आपको तो बहुत से एनिमल्स मिल ही जाएंगे, काउ, बफेलो, गोट एंड शिप मिल जाएगी, बहुत से पेट मिल ही जाते हैं। क्लियर? ऐसा है, देखना देखना दुबई में जो प्रिंस है उनके पास भी उनका टाइगर है, उनका पेट है, सीधी सी बात है, पेट है उनका। सेम आप उनको प्यार दे रहे हो सामने से, वो भी आपको दे रहा है। एक साइड डॉग रख लो, एक साइड टाइगर, देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस, है ना। एक पेट एनिमल और एक वाइल्ड एनिमल, स्टिल जैसा आप ट्रीट करोगे वैसा ही सामने से भी आपको वो ट्रीट करेगा, बराबर। इन शॉर्ट यही बात है। नाउ नाउ द लास्ट वन, हाउ डू ह्यूमन बीइंग बिहेव इफ वी डिसलाइक देम? क्या बता रहा है? हाउ डू ह्यूमन बीइंग बिहेव इफ वी डिसलाइक देम? अगर उनको नहीं पसंद है हम, तो ह्यूमन बीइंग कैसे बिहेव करते हैं? दे डिसलाइक अस इन टर्न। सीधी सी बात है, अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद या कोई एनिमल है आपको नहीं पसंद, फट ऐसा करो हटाओ, वो दूसरी बार आपके आएगा ही नहीं, वो भी आपको पसंद नहीं करेगा। देख लेना, या जिनका पैट होगा ना, देखना वो कैसा है, कितनी बार होता है कि जिनके घर पे पैट है वो एक आवाज लगाते हैं ना वो आ जाता है, या उसके जो इंस्ट्रक्शन वो देता है वो फॉलो करता है। रीजन, क्योंकि जैसा वो बोल रहा है वैसा वो समझता है, सेम उसी वे में चल रहा है उनका। अगर कहीं ना कहीं अगर आप उसे हटाओगे, मारोगे, धुतकार दोगे, तो दूसरी बार आपके पास आएगा भी नहीं, फिर कितना अच्छे से बोलोगे, बराबर। सेम ह्यूमन के साथ भी ऐसा होता है, इसके डिसलाइक करो वो डिसलाइक पे चलता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस, वी कैन फाइंड एडवेंचर इफ वी सीक इट विद अवर डैश, विद अवर आईज ओपन, है ना, खुली आंख से देखो तो आपको हर चीज अच्छी लगेगी। नाउ आफ्टर विजिटिंग मॉन्यूमेंट्स We learn something more about Indian history. किसके बारे में मालूम पड़ेगा आपको? मरे प्राचीन कला के बारे में, है ना, प्राचीन संस्कृति, Indian history. Okay? Now, flowers give dash and color to our world. Flowers क्या देते? Life. We can as a say life. यहाँ पर बोला गया है कि जान बस्ती उनको देखते हैं। कैसे? आप देखा बहुत से गार्डन में कहीं चले जाओ, या आपने कितना भी अच्छा कुछ करके रखा हो, लेकिन एक सर गार्डन में चले जाओ जो नेचुरल ब्यूटी आती है नेचर की तरफ से, वो बहुत ही अच्छी दिखती है ना। चलिए व्हाइल वॉचिंग द बर्ड्स वी शुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज देम। क्लियर? नाउ पीपल हु किल एनिमल्स आर द foolish, are they foolish person? Clear? Now, next one. Give the below for a few words. Find their antonyms. Okay, क्या है यहाँ पे? Antonyms. Antonyms means क्या होता है? Opposite. क्या होता है? Opposite. Now, दिए हुए आपके सारे, इन सब के क्या लिखने आपको? Opposite लिखने. Now, first one. Just a second. Okay. Now, dull. Dull को opposite क्या आएगा? Bright. पता है बहुत dull color है. Dull means एकदम dark, एकदम बहुत low color है. Bright एकदम चमकीला एकदम. है ना? Like सूरज की तरह. ठीक है? Bright. नहीं. Force. Force को opposite क्या आएगा? Friends. दुश्मन. दुश्मन का दोस्त. दोस्त. Opposite हो गया. Then domestic. Domestic का आ जाएगा. Wild. है ना? Now, less का क्या आएगा? More. Less का क्या आ गया? More. Now, least.
लीस्ट का क्या, लीस्ट मतलब कम, ज्यादा करना है, पास्ट पार्टिसिपल है, मोस्ट, लीस्ट का क्या हो जाएगा, मोस्ट, एंड ओल्ड है, ऑपोजिट हो जाएगा न्यू, क्या जाएगा न्यू, बराबर। नाउ गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पीस, टाइटल दिए जाएंगे लाइक ये रहे सजेस्टेड टाइटल है, एक्सप्लोरिंग इंडिया, इंडिया अ रिच एक्सपीरियंस और डिस्कवरिंग इंडिया, कुछ आपको टाइटल दे दिए गए, इसके ऊपर आपको क्या करना, अपना कंटेंट लिखिए, एज अ टॉपिक मिल चुका है, इफ अगर आप लोग लिखते हैं इस तरीके का देन आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि रिटर्न लिखना ही तो आना चाहिए मेन, बराबर है ना। चलिए ये आपके टाइटल जो है दिख रहे, क्लियर, देखिए एक्सप्लोरिंग इंडिया, इंडिया अ रिच एक्सपीरियंस और डिस्कवरिंग इंडिया, क्लियर। चलिए यहां पर आपका चैप्टर 19 भी कंप्लीट हो गया, बराबर।